और जलवायु परिवर्तन के खतरे से पूरी दुनिया आज जूझ रही है, लेकिन शातिर चीन अपनी तकनीक के सहारे मौसम के साथ ही खिलवाड़ करता रहा है। अब पूरी दुनिया इसी बात से परेशान है। शातिर चीन अपनी तकनीक से मौसम को ही अपने अनुसार नियंत्रित कर रहा है। 2008 में पेचिंग ओलंपिक्स के दौरान चीन ने दावा किया था कि उसने 1110 रॉकेट की मदद से बारिश रोक दी थी। 2015 में बारिश बनाने और ओले रोकने के प्रोग्राम 30 कंपनियों में चल रहे थे। 2017 में वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम पर $17.5 करोड़ खर्च किए गए ताकि 10% हिस्से पर बारिश लाई जा सके। पूरी दुनिया अब इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि कहीं ड्रैगन अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए न करने लगे। और ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद पूरे लंदन में अफरा तफरी मच गई है। लंदन दूसरा वुहान बनने लगा है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। नए स्ट्रेन का कहर ऐसा है कि ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में कोरोना के इस नए रूप के मिलने के बाद सभी उड़ानें बंद कर दी गई। लंदन दूसरा वुहान बन गया है। एक तरफ शहर में सन्नाटा पसरा है तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं। नए स्ट्रेन का खौफ ऐसा है कि लंदन घूमने गए लोग जल्द से जल्द लंदन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लंदन से हवाई सेवा बंद करने के बाद से सभी लोग स्टेशन और एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस आपदा से जुड़े कई संदेश पोस्ट किए हैं। और कोरोना के इस नए रूप से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन के बाद अब दुनिया के 6 और मुल्कों में ये नए तरह का वायरस फैल गया है, जिससे खौफ का माहौल पसरा है। पहले कोरोना और अब एक नए तरह का कोरोना। पहले इस नए कोरोना से सिर्फ इंग्लैंड परेशान था, लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया के कई देश इस वायरस की चपेट में आने लगे हैं, जिसके बाद से स्थिति गंभीर होती जा रही है। ब्रिटेन के बाद दुनिया के कई देशों में फैला नए तरह का कोरोना। लंदन और साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के 60% मामले नए स्ट्रेन के। डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में नए वायरस के मरीज मिले। साउथ अफ्रीका और इटली में भी नए तरह के मरीज मिले हैं। इतना ही नहीं, कई देशों ने आशंका जाहिर की है कि उनके यहाँ पहले से कोरोना का नया स्ट्रेन मौजूद है, जिससे हालात काफी खराब हो चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।